सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? कितना होगा फिल्म का बजट, किससे रिलेटेड होगी कहानी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो। मैं पूजा मोड़े आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ फाइटर फिल्म से जुड़े कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको भी पता चले कि आखिर फिल्मी दुनिया में पक क्या रहा है। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं शासक कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। ये लाइन आपने फाइटर मूवी के ट्रेलर में जरूर सुनी होगी। एक मिनट, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपने फाइटर मूवी का ट्रेलर नहीं देखा होगा तो पहले देखकर आइए, क्योंकि मैं एक्साइटमेंट में बड़बड़ करती रहूंगी और आप में तो एक्साइटमेंट फील ही नहीं होगी। इस फिल्म में हमें दिखने वाले है ऋतिक रोशन और उनके अपोजिट हमें दिखने वाली है दीपिका पादुकोण। वेल, ये जोड़ी को अब तक बॉलीवुड में कभी भी साथ में कास्ट नहीं किया गया था। फिल्म का ट्रेलर देखकर ही पता चलता है कि फिल्म पैट्रियोटिक होने वाली है। जैसा कि हमने ऋतिक रोशन को 2019 की वॉर मूवी में देखा था, उसमें हमें ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ भी दिखाई दिए थे। दोनों भी एजेंट होते हैं और एक टेररिस्ट को पकड़ते हैं। और अगर आपने वॉर मूवी भी नहीं देखी होगी तो वो भी मूवी देख लीजिए, क्योंकि उस मूवी से आपको एक रफ आइडिया आ जाएगी कि फाइटर मूवी कैसी होने वाली है। रात भर बात कर तू मेरे साथ चल, सर पे चढ़ा है जादू जाने क्यों। क्या आप समझे कि मैं कौन से मूवी की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ बैंग बैंग मूवी की, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में हमें दिखे थे ऋतिक रोशन और उनके साथ हमें दिखी थी कैटरीना कैफ। सच बताओ तो इस फिल्म के लिए भी मेरे पास वर्ड्स कम ही पड़ जाते हैं। इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने एक रॉ एजेंट का किरदार निभाया था, जो कि कोहिनूर हीरे की रक्षा करते हैं। वैसे इन दोनों मूवीज को डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने ही डायरेक्ट किया है और जो आने वाली मूवी होने वाली है फाइटर, उसे भी वही डायरेक्ट करने वाले हैं। लगता है ऋतिक रोशन उनके कुछ ज्यादा ही फेवरेट है, और हो भी क्यों ना भाई, ऋतिक रोशन जैसे स्टंट कमाल करते हैं उनसे बेहतर शायद ही बॉलीवुड में कोई कर सकता होगा। अगर कंपेयर करें फिल्म के बजट को तो बैंग बैंग का बजट था 160 करोड़ और कलेक्शन था 330 करोड़। और अगर हम इन बजट को देखें तो लगता है कि जो आने वाली मूवी है फाइटर, उसका बजट करीब करीब 150 से लेकर 200 करोड़ तक हो सकता है। और फिल्म का जो कलेक्शन है वो कितना होगा ये ऑडियंस पर डिपेंड करता है, और मुझे पता है कि वो बहुत ही ब्लॉकबस्टर होने वाली है। इतना तो कंफर्म है कि जो भी फिल्म की स्टोरी लाइन होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि ऋतिक रोशन ऑलवेज रॉक्स इन एवरी एक्शन मूवी। क्या आप भी एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो चलिए जल्दी मिलते हैं और नए गॉसिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।